नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रोन के बारे में और ट्रोन का जो नया उनका स्टेबल कॉइन जिसका नाम है USDD, जो कि आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। और ट्रोन के बारे में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या ट्रोन भी लूना की तरह क्रैश हो सकता है, क्योंकि ट्रोन के जस्टिनसन जो उनके फाउंडर, उन्होंने पूरा का पूरा जो अपना प्रोजेक्ट इस बार डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन किया है लूना को देखकर। तो क्या ये जो लूना के साथ हुआ था, जो डिज़ास्टर लूना के साथ हुआ है, वो सारी चीज़ क्या ट्रोन के साथ भी पॉसिबल हैं या नहीं? बिल्कुल A to Z सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जो ट्रोन का जो USDT है वो इस समय डी पैग हुआ है, तो क्या यहाँ से ये नीचे जाएगा या यहाँ से ये कवर होगा? कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मतलब छाछ जो ठंडी होती है, जो उसको भी वो ये डरता है कि यार कहीं इसमें कुछ गर्म ना हो, मेरा जल जाए जबान। तो यही सारी चीज़ हो रही है ट्रोन के साथ भी। अब ट्रोन का जो जस्टिनसन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो गलती नहीं करेंगे जो कि टेरा लूना कर चुका है। अब क्योंकि देखिए सारी चीज़ें सामने सामने, तो ऐसा नहीं है कि कोई देख कर जान कर अपनी गलती करेगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो हमको यहाँ से नज़र आ रही है उससे डिफरेंट है। ये सारी जो वीडियो आज हम बनाएंगे, इसमें जो भी कन्फ्यूजन आपको ट्रोन को लेकर, जो USDT को लेकर है, वो सारी आज दूर होने वाली है, क्योंकि एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। और हम लोग को यहाँ से जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि लूना की तरह ये भी क्रैश हो सकता है। तो इसके बारे में एक करके बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं कि लूना का जो मैकेनिज्म था, सेम जस्टिनसन के जो फाउंडर हैं, जस्टिनसन हैं, उन्होंने सेम फॉलो किया है। एग्जैक्टली ट्रोन बर्न होगा तो USDT मिंट होगा, और USDT बर्न होगा तो ट्रोन मिंट होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, बट यहाँ पर एक बट है, वो ये कि अभी ये सारी चीज़ें लाइव नहीं है। ये बिल्कुल इनका जो रोड मैप है, अगर USDT का आप वाइट पेपर पढ़ेंगे, हालांकि मैंने पढ़ा है, उसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस में चलेंगी। अभी ये सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हैं, अभी ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं। जो भी USDT की जो मिंटिंग हो रही, जो मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है, जो आ रहा है सप्लाई में, वो हो रहा है इनके जो इन्वेस्टर हैं, इनके जो वाइट लिस्टेड इन्वेस्टर हैं, जो इनके बायर्स हैं ट्रोन के, जो ट्रोन रिजर्व के जो बायर हैं, उनके द्वारा हो रहा है। अभी यहाँ पर कहीं पर जो मैकेनिज्म होता है जो लूना का था कि जिससे बर्निंग होनी है, वो सारी चीज़ें अभी लाइव नहीं है। और ये सारी चीज़ें स्टेप में होंगी। अभी सबसे पहला जो स्टेप इनका आया था वो 5 मई को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अभी, और वो जो बाइंग हो रही है USDT की, वो हो रही है इनके जो वाइट लिस्टेड कस्टमर है, क्लाइंट है, उनके ज़रिए। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये इनके वाइट पेपर में क्या लिखा है स्टेप में, कि अब जो नेक्स्ट होगा वो अक्टूबर में होगा, इनका ये मेन नेट इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद नवंबर में लॉन्च होगा, उसके बाद दिसंबर में अपडेट है। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपडेट होगा, और अगले 4 सालों में इसको धीरे धीरे ये डिसेंट्रलाइज करेंगे। अभी तब तक का इनका पूरा कंट्रोल होगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होंगी। और जो बात करें USDT और ट्रोन की, वो अभी डिसकनेक्ट है, आपस में कहीं से कनेक्ट नहीं है, और जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल कंट्रोल्ड में हैं। दूसरी चीज़, अब हम कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं कि ट्रोन और USDT का। तो USDT के जो टोटल, उसके पीछे जो बैकअप में फ़ंड रखा गया था, उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या चीज़ अभी क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो USDT के पीछे जो कोलेट्रल रखा गया था वो 3 बिलियन बिटकॉइन का था, और यहाँ पर जो रखा गया ये 19 बिलियन टोटल वर्थ का है। और यहाँ पर इनकी वेबसाइट में भी सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाई गई हैं कि कितना बिलियन का USDT रखा गया, USDT रखा गया है, USDC रखा गया है, तो ये, और बिटकॉइन 14,000 बिटकॉइन रखा गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी कोलेट्रल इसके लिए रखी गई है, जो कि जैसे अगर ये 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो 300% का इनके पास कोलेट्रल है, 325% का कोलेट्रल है, जो कि जितने भी अभी स्टेबल क्वाइन है उनमें से किसी के पास इतना नहीं है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं किस किस ने कितना कितना परसेंट रखा है। USDT ने 100% रखा है, लेकिन यहाँ पर जो USDC है इसने 325% रखा है। मतलब 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो 350 उन्होंने अपने रिजर्व में रखा है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी पूरी है, बट
क्योंकि मार्केट में अभी ये डी पैग हुआ है, जो इनका यूएसडीटी है, ये डी पैग हुआ है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही क्योंकि मार्केट में अभी लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ये नुकसान ना दे दे यो लूना की तरह, तो इस वजह से थोड़ी सी सेलिंग आई है। और ये जो सेलिंग आई है, ये कुछ समय में ही ये इसको कवर किया जा सकता है जस्टिनसन के ज़रिए। लेकिन जस्टिनसन आज उस मुकाम पर चल रहे हैं, वो जैसे जब क्या होता है, हम लोग नई नई साइकिल चलाना सीखते हैं, तो हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छे से हम चला लिए हैं, तो एक हाथ से भी चलाने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो, जो इनका डी पैग हुआ है वो कुछ समय में ही ये पूरा पैग उसको वापस $1 का कर सकते हैं, लेकिन वो इसको छोड़ दिए हैं। जो इनके जो डैप्स हैं उनका जितना भी फीस आ रही उसके थ्रू इसकी बाइंग हो रही है, तो अभी यहाँ पर उसको न्यूट्रल छोड़ दिया कि धीरे धीरे वापस से 100% कवर होगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें अभी सब सेंट्रलाइज है, अभी यहाँ पर कुछ भी डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो उस डी पैग को पैग होने के लिए ऑटोमेटिक समय दिया गया है ताकि उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ सके। एक सवाल, जब इसके बारे में हम रिसर्च कर रहे थे ट्रोन के बारे में, तब मेरे मन में आया, हो सकता है आपके मन में भी आ रहा हो, कि जब 20% देकर यूएसटी का जो एंकर प्रोटोकॉल पर हम यूएसटी को स्टेक करते थे, तो 20% यील्ड यानी कि रिटर्न मिलता था। अभी यूएसडीडी की बात करें तो इसको अगर आप स्टेक करेंगे इनके प्लेटफॉर्म पर, तो आपको 30% उससे ज़्यादा उसके आसपास आपको मिलता रहता है। तो जब 20% देकर कोई एकदम गायब हो गया है, ज़ीरो हो गया है, तो ये तो 30% दे रहा है, ये तो और जल्दी गायब होना चाहिए। लेकिन इसका जवाब इन्हीं की वेबसाइट पर है, और वो ये कि ये जो आपको देंगे सिर्फ 2 बिलियन तक देंगे। 2 बिलियन टोकन जब तक मार्केट में प्रोड्यूस नहीं होते तब तक आपको ये 30% मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर उनका एक नया सिस्टम आएगा, उसमें हो सकता है 10% या कुछ भी हो, लेकिन अभी 30% जो मिल रहा है ये सिर्फ 2 बिलियन तक है। आज की तारीख में 723 मिलियन मार्केट में सर्कुलेट हुआ है, तो उस पर मिला है अभी 1.23 बिलियन जो है मार्केट में सर्कुलेट और होना है USDT, तब तक कि आपको 30% मिलता रहेगा। कुछ समय पहले हमने आपको एक, जो हमने साल भर पहले एक वीडियो बनाई थी ट्रोन के बारे में, उस समय हमने आपको एक इशारा किया था कि ट्रोन, ये जो जस्टिनसन है, ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव पर्सन है। ये मतलब मजाक में तो आते ही हैं, इनका लोग मजाक तो ज़रूर उड़ाते हैं, बट इन्होंने प्रोजेक्ट जो हिसाब से बनाए हैं, बैक टू बैक अपनी वेबसाइट पर, इनकी वेबसाइट पर देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने बना रखे हैं। और जो इस टाइप का एक जो जो इंसान जो शख्सियत होती है, उनका कभी ना कभी कुछ कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा हिट हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लोगों को प्रॉफिट देता है। तो उसमें से इनका USDD प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से इनका ट्रोन भी अब अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो याद कीजिए, मैंने लास्ट ईयर आपको डिस्कस किया था इसके बारे में। तो अब इसके साथ ये है कि अब इनके साथ अगर कोई अच्छा पार्टनरशिप इनके साथ मिल जाती है, जैसे मैटिक के साथ हुई, जैसे कई और के साथ रीब्रांडिंग हुई है, तो अगर इस तरीके कुछ इनको मिल जाता है तो अच्छा होने का चांसेस है। नहीं तो अभी भी ये जिस तरीके से होल्ड में है, एक जगह जाके स्टेबल हो जाता है इनका क्वाइन, तो इनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग से मेरी यही सलाह रहेगी कि आपके वैलेट में कुछ ना कुछ ट्रोन ज़रूर पड़ा होना चाहिए, भले ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन कुछ क्वांटिटी में ट्रोन ज़रूर पड़ा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी चमत्कार हो सकता है ट्रोन के साथ। तो ये सारी चीज़ें, कभी कभी हमारे मुंह से भी कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती है जो कि एक साल के बाद वो इम्प्लीमेंट होती हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी जो USDD है और जो ट्रोन है, ये बिल्कुल अलग 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 चल रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि ट्रोन का बर्निंग हो रही है और उससे कुछ हद तक मिंटिंग किए जाते हैं आपके USDD, लेकिन जो USDD बर्निंग का अभी कोई मैकेनिज्म नहीं सेट है। तो जो USDT डी बैग हो रहा है, उसके बाद कई सारे लोगों ने बाइनेंस पर शॉर्ट ओपन किया था कि ट्रोन अब यहाँ से डंप हो सकता है, क्योंकि ट्रोन की मिंटिंग होगी, ट्रोन डंप होगा। तो ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। कोई भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करे तो आप उसका वाइट पेपर पढ़ सकते हैं, उसमें मतलब मेरी वीडियो का भी रेफरेंस मत जाइए, सीधे एग्जैक्टली आप इनके ट्रोन की USDD की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर वाइट पेपर पढ़िए, तो सारी की सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगी। और अभी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं। अभी समय आगे बढ़ चुका है और आगे आने वाले समय में जो चीज़ें होंगी वो बिल्कुल अभी कंट्रोल में है। अभी ट्रोन के साथ ऐसा कुछ नहीं है और ट्रोन अपने आप में एक अच्छा सिस्टम को लेकर चला है, और उसके बारे में आने वाले समय में और जो भी अपडेट होगी वो सब हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी अपडेट, उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर अपडेट पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। स्कैमर एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए हो चुकी है आज की तारीख में, कभी समय मिला तो बताऊँगा, एक समस्या एक्चुअल में बड़ी हो चुकी है। खैर,
आपसे बस यही गुजारिश है, किसी को भी पैसा नहीं देना है। कोई भी आपसे हमारे नाम से पैसा मांगता है, चैटिंग करता है, कुछ भी करता है, तो उससे आपको सब कुछ करिए जो भी आपको अच्छा लगता है, बट पैसे की जहाँ बारी आए वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दीजिए। बस इतना सिंपल। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।